क्लास में आप लोगों को टू पार्ट लॉन्ग कुर्ती काटिंग करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस कुर्ती को काट करने के लिए 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर टू फुल करके यहाँ पर पिसाया हुआ है। तो सबसे पहले हमें ऊपर का पार्ट काट करूँगी। ये देखिए, फ्लावर दोनों साइड की तरफ से है, तो हम कहीं भी साइड से इसको काट कर सकती है। तो इस तरह से अभी हम और एक फूल करूँगी, तो टोटल हम 4 फूल में यहाँ पर पिसाऊँगी। तो फ्रेंड्स, छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अभी भी चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, अभी मैं यहाँ पर इसको 4 फूल में पिसा लूँगी। तब यहाँ देखिए, यहाँ से ऊपर के लिए लंबाई लेना है। यहाँ से लंबाई 16 इंच तक रखूँगी और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा 1 इंच रखूँगी। तो टोटल मैं यहाँ से 17 इंच तक रखूँगी। यहाँ से 17, यहाँ पर देखिए मैंने 17 इंच किस लिए लिया है, ये बैक साइड की तरफ से ये हाई नेक होगा, तो इसलिए यहाँ से 17 इंच लिया है। अगर बैक साइड की तरफ से डीप नेक होने से यहाँ पर 16 इंच तक रखने से ठीक है। तो हाई नेक में तो थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक चाहिए। तो अभी देखिए, यहाँ से शोल्डर लेना है। शोल्डर आपका शोल्डर जितने इंच तक आता है उसी से हाफ करना है। यहाँ पर देखिए 7 इंच तक आता है और यहाँ से 1.5 इंच तक हमें डाउन किया है। तो यहाँ पर देखिए, नेक का चौड़ाई लेना है 2.5 इंच तक रखूँगी। तो अभी देखिए, जहाँ से हमें 1.5 इंच तक डाउन किया है वहाँ से इसको मिलाना है। फिर यहाँ से देखिए, फ्रंट नेक डिप लेना है। फ्रंट नेक डिप हम यहाँ से 6 इंच तक रखूँगी और यहाँ से 2.5 इंच बराबर मिलाऊंगी। फिर यहाँ से लेना है आर्म होल। आर्म होल देखिए, यहाँ से मैं 6.5 इंच तक रखूँगी। जैसे कि यह हाई नेक है तो इसलिए मैं यहाँ से और 1/2 इंच ज़्यादा लिया है। ये देखिए, बराबर मिला लिया। तभी ये देखिए, ये फ्रंट साइड का आर्म होल होगा। यहाँ से एक बैक साइड का और एक फ्रंट साइड का, ये देखिए इस तरह से इसको शेप मिलाना है। ये बैक साइड का होगा और ये देखिए ये फ्रंट साइड का होगा। ये कुर्ती 38 साइज से, यहाँ पर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। तो अभी हम कमर के लिए मेजरमेंट लेना है, तो इससे हम 1 इंच कम करूंगी। तो चलिए, अभी हम इसको काट कर लूंगी। फिर देखिए, दोनों पार्ट को हम अलग कर लूँगी। यहाँ पर नेक डीप काट करना है और आर्म होल काट करना है। ये देखिए, जो अंदर वाला पार्ट को हम बैक साइड के लिए रख दिया और ये देखिए, इसको हम फ्रंट साइड के लिए रखूँगी।
तो यहाँ पर देखिए कटिंग करने के बाद इस साइड से देखिए हाफ इंच जैसे ऊपर की तरफ से उठाकर काट करना है इस तरह से। ये इस तरह से कटिंग नहीं करने से सिलाई करने के बाद ये नीचे की तरफ से डाउन हो जाता है और यहाँ से देखिए टैक्स दिया है 3.5 इंच तक। और यहाँ से कितना इंच तक उठाकर सिलाई करना है आप अपने हिसाब से उठा सकते हैं। मैं यहाँ से 3.5 इंच तक उठाकर सिलाई करूँगी और यहाँ पर देखिए हाफ इंच लेकर सिलाई करना है, टू फोल्ड में हाफ इंच कर सिलाई करना है। तो ये देखिए बैक साइड से भी हमें यहाँ से हाफ इंच जैसा यहाँ से उठाकर काट कर लेना है। तभी देखिए यहाँ से नेक लूँगी 2.5 इंच, इसको हल्का सा इस तरह से मिलाना है जैसे कि 2.5 इंच नहीं तो 3 इंच तक। उसके बाद देखिए यहाँ से 3.5 इंच तक यहाँ से टक्स का निशाना लगाऊंगी। ये देखिए ऊपर के पार्ट कटिंग कंप्लीट है, अभी हम नीचे का पार्ट काट करूँगी। तो इसके लिए देखिए मैंने इस तरह से फेब्रिक को फोल्ड करके पिसा लूँगी। ये देखिए इस तरह से बराबर मिलाना है। तो इस कुर्ती का टोटल लेंथ है 45 इंच, तो ऊपर की तरफ से हम 17 इंच लिया है वहाँ से हम 1 इंच माइनस कर और 16 इंच के साथ प्लस कर यहाँ पर टोटल हम 45 इंच तक यहाँ पर लंबाई रखूँगी। ये देखिए इस तरह से फोर फोल्ड में पिसा लेना है, इसको अच्छे से इस तरह से मिलाना है। तभी देखिए यहाँ से मैंने 45 से 16 माइनस करना है, 45 से 16 माइनस करने से 29 इंच तक मिलता है। तो अभी देखिए इस तरह से मैंने जो ऊपर के पार्ट के लिए हमें 16 इंच तक लिया है उसी से यहाँ पर इस तरह से एक साथ पकड़ कर ले लूँगी। ये देखिए ये 45 इंच तक और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर 1.5 इंच ज़्यादा लिया है। यहाँ पर देखिए नीचे का गियर कितना तक रखना है, ये यहाँ से फोर फुल में देखिए 13 इंच तक रखूँगी। चाहे तो आप उससे कम करना है तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ज़्यादा कम करने से भी अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ से देखिए हमें कमर लेना है, ये कमर 34 साइज़ है, तो 34 साइज़ के लिए हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा फेब्रिक रखूँगी। तो टोटल 36 इंच का कमर रखूँगी क्योंकि हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक भी चाहिए। और यहाँ से देखिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी। तभी देखिए हमें हिप के लिए मेजरमेंट लेने के लिए क्या करना है, हमें जो ऊपर का पार्ट काट किया है इसको यहाँ पर पिसाना है, इसके बराबर देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ इस तरह से पिसाना है। जो हम सिलाई करना है इसको एक साथ लेकर, ये देखिए यहाँ से 16 इंच तक लिया है। तो हिप का लंबाई तो मैं 16 इंच तक ले लिया है। तो अभी देखिए हमें हिप के लिए मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पर देखिए हिप 40 इंच है, तो मैं यहाँ से 10 इंच रखूँगी फोर फुल में और एक्स्ट्रा सिलाई के साथ यहाँ से ज़्यादा नहीं रखना है। मैं यहाँ से 1 इंच तक एक्स्ट्रा रखूँगी, ये 10 इंच और एक्स्ट्रा 1 इंच। तो इसको देखिए इस तरह से मिलाना है और यहाँ से देखिए हमें 0.1 इंच से ऊपर की तरफ से इस तरह से उठाना है। ये देखिए इस तरह से, तो चलिए अभी हम इसको काट कर लूंगी। तो यहाँ से देखिए स्लीव कटिंग करूँगी, तो इसको इस तरह से हमें फोर फोल्ड में पिसा लेना है। और इसको देखिए इस तरह से मेरे साइड की तरफ से जो पेन छाए थे इसको रखूँगी। तो यहाँ पर देखिए टोटल फैब्रिक मैंने 17 इंच तक मिला है। तो ये देखिए 17 इंच बराबर है और सिलाई करने के बाद ये 16 इंच तक हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ से इस तरह से सीधा मिलाना है। सीधा मिलाने के बाद देखिए यहाँ पर अभी हम अमूल का साइड की तरफ से लेना है। ये देखिए हम 12 इंच तक यहाँ से रखूँगी इस तरह से। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लेकर यहाँ पर मेजरमेंट लिया है, अगर बाद में ज़्यादा होगा तो इसको काट कर सकती है इस तरह से।
तब यहाँ से स्लिप कराउन लेना है 5.5 इंच और एक्स्ट्रा 1.5 इंच, इस तरह से मिलाना है। फिर इसमें से देखिए हमें नेक पुट्टी काट कर लेना है, तो जो काटा हुआ फ्रंट पार्ट को इसका ऊपर में रखूँगी और यहाँ से इस तरह से मिलाना है। ये देखिए कुर्ती का कटिंग कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स इसका स्टिचिंग का वीडियो अगला वीडियो में करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।